दोस्तों, अगर आप भी भारत और नेपाल के बीच पहला T20 मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार जिस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार पूरा भारत देश कर रहा था, वो मैच अब से कुछ ही चंद मिनटों बाद शुरू होने जा रहा है। आखिरकार मुकाबले का लाइव प्रसारण क्या चल रहा है, टॉस किसने जीता है, कहां आप सभी है मुकाबला देख पाओगे, क्या भारत की प्लेइंग 11 टीम है, सब एक एक जानकारी आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और नेपाल में से पहला T20 मैच कौन सी टीम जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारतीय टीम ने अभी वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के खिलाफ 5 मैच की और 3 मैच की T20 श्रृंखला खेली है। और दोस्तों, T20 का मिजाज तो पूरे भारत में पहले से ही फैला हुआ है और यहाँ पर अभी हर किसी को इंतजार एशिया कप का भी है, और जो कि इस साल पाकिस्तान, नेपाल जैसी टीमों के खिलाफ खेलेगी और श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी टीम से भी भारत की टक्कर हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, पूरा भारत देश इन सब मैचों का तो इंतजार कर रहा है, लेकिन उनमें अभी वक्त है। और इस बीच BCCI ने एक और दौरा भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, जहाँ इस बीच हम सभी को पहली बार भारतीय टीम नेपाल की टीम से भिड़ती हुई नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल आज तक भारत और नेपाल की टीम के बीच मुकाबले तो खेले गए हैं, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी के, लेकिन दोस्तों इन मुकाबलों में कभी भी नेपाल की टीम जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन दोस्तों, इस बार नेपाल की टीम किसी से पीछे नहीं है और वो चाहेगी कि अपनी वापसी सबको, पूरी दुनिया को दिखाते हुए वो भारतीय टीम को हराए, और ऐसा कर पाना शायद नेपाल जैसी नई टीम के लिए मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, नेपाल के बल्लेबाज और गेंदबाज उम्मीद जरूर रखेंगे। वहीं बात करें अगर मैच के बारे में, तो दोस्तों इस मुकाबले के लिए कप्तानी रिंकू सिंह को थमाई जा सकती है, और यहाँ पर रिंकू सिंह नेपाल के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए हर किसी को जरूर हराना चाहेंगे और बताएंगे कि अगर ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज टीम में मौजूद ना भी हो तो वो फिर भी मुकाबले को जितवा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस बीच बात करें अगर मैच के बारे में, तो आप सभी अगर यह लाइव मुकाबला अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर यह मुकाबला दिखाया जा रहा है। तो वहीं बात करें अगर आपको ऑनलाइन देखना है, तो आप सभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा ऐप का उपयोग कर पाएंगे, जहां यह मुकाबला दिखाया जा रहा है। तो वहीं मैच के बारे में आपको बताते हुए चलें, तो दोस्तों यहां पर हर किसी की निगाहें टीम इंडिया पर होगी, क्योंकि दोस्तों एशिया कप से पहले ये एक तरह का T20 के रूप में खेला जाने वाला वार्म अप मुकाबला ही है, और इस मैच में भारत के कई अन्य विभिन्न खिलाड़ी भी शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़ को भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन खिलाड़ियों ने भी काफी लंबे समय से टीम इंडिया में भाग नहीं लिया है और वेस्ट इंडीज के दौरे के बाद से ये टीम से बाहर है। तो ऐसे में एशिया कप की तैयारियों के लिए इन्हें भी जुड़ना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर लें अब टीम के बारे में, तो आप सभी को पूरी प्लेइंग 11 टीम भारत की बताते हुए चलते हैं। तो यहाँ जो एशिया कप में खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, वही खिलाड़ी अब हम सभी को इस वार्म अप मुकाबले में भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ नए युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है, जो कि इंटरनेशनल मुकाबलों में एक्सपीरियंस कर लें। हालांकि दोस्तों इस बीच टीम इंडिया में रिंकू सिंह भी होंगे, तो वही श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव भी अंदर खेल सकते हैं, और अगर ये अंदर नहीं खेलते हैं तो यहाँ पर रिंकू सिंह को ही कप्तानी थमाई जाएगी। तो वही ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन, KL राहुल, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, ये खिलाड़ी अंदर खेलेंगे। तो वहीं बात करें नेपाल की टीम के बारे में, तो नेपाल की तरफ से रोहित पाउडेल कप्तानी करेंगे, तो वहीं आरिफ शेख, भीम शार्की, कुशल भुरटेल, सुदीप जोरा, दीपेंद्र सिंह आयरी, करण केसी, कुशल माला, आसिफ शेख, अर्जुन साउद, गुलशन झा, किशोर महोते, ललित राजवंशी, मौसम धाकल, हरितेश जीसी, संदीप लमीछाने और सोमपाल कामी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी दोस्तों, अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और नेपाल की टीम में से कौन सी टीम यह मुकाबला जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।